डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के उड़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हनी बाय। कितना क्यूट लग रहा है आज वो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी ये मॉर्निंग की क्लिप है। हनी जा रहा था स्कूल और बारिश लगातार हो रही थी तो उसके पापा उसके लिए एक रेनकोट लेके आए। बहुत दिनों से सोच रही थी ऑनलाइन ले लूँ लेकिन फिर सोचा कि बच्चे की हेल्थ उतनी अच्छी नहीं है बट छोटा बड़ा हो जाएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी मॉर्निंग का 7:30 हो चुका है और आज में सुबह से बारिश स्टार्ट हो गई। अभी जस्ट हनी स्कूल गया है और मैं इसको थोड़ी देर घुमा रही हूँ, इसके बंदा लेके जाऊँगी। बारिश अभी मतलब सुबह से बहुत, रात से भी शायद मुझे लग रहा है स्टार्ट है बारिश और ऐसी हो रहा आजकल। पता नहीं दिन में कैसा रहेगा मौसम बट अभी बारिश है हल्की फुल्की और उस वजह से ना कभी गर्म कभी ठंडा हो रहा है। इसकी वजह से ना इसको ना सीट गर्म जैसे हो जा रहा, पता नहीं क्या हो रहा है। इसकी आँखें भी पकने लगी दोबारा से, बड़ी परेशान हो गई हम। पता नहीं क्या है इसके साथ, ऐसा सीन समझ नहीं आता है। अभी नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हनी के लिए टिफिन बनाया था। अब बनाऊँगी नाश्ता, हाथ में कुछ भी नहीं धुलाया अभी क्योंकि आज हम थोड़ी सी लेट उठे, 7:10 उठी क्योंकि ना रात को ये बड़ा परेशान कर रहा, सो ही नहीं रहा है। और तब जा के आज बिल्कुल भी नहीं, तो मैं हाथ में पहले ही धो देती हूँ बट आज ऐसा हो रहा था कि फटाफट टिफिन बनाना है, इसको रेडी करना है और ये तो सुबह से उठा ही रहता है। तो चलिए फिर नाश्ता वगैरह बनाते हैं, हाथ में धोते हैं, फिर बात करती हूँ आप लोगों से। हेलो एवरीवन। तो अभी टाइम हो गया है दिन का 12:30 हो चुका है और अभी जस्ट मैं हनी को लेके आ रही हूँ। सुबह के बाद से मेरा मन ही नहीं हुआ ब्लॉग बनाने का, मैंने स्टार्ट तो कर दिया था बट मन नहीं हो रहा था। और अभी अच्छा सोया है तो हनी वहाँ पे गाड़ियाँ चला रहा है, अच्छा सोया है। और अभी मैंने कुछ कपड़े लगाए हैं मशीन में, आज पानी आ रहा था तो हनी के स्कूल के कपड़े गंदे हुए थे और कुछ अच्छत के थे और कुछ उसके पापा के थे तो मैंने वो कपड़े लगा दिए धोने के लिए और एक जोड़ी मेरे भी थे। और साथ ही साथ मैंने दाल और चावल दोनों आज चढ़ा दिए हैं तो क्योंकि आज मुझे अक्षत को नहलाना है, सुबह के टाइम पे मैंने नहीं नहलाया था तो अभी थोड़ी देर में जब उठेगा तो उसके बाद उसको नहलाऊँगी। इसलिए मैंने सोचा पहले खाना बना के तैयार कर देती हूँ क्योंकि फिर ये हुआ कि बाद में ना फिर जब मैं फ़ोन पर लग जाती हूँ तो फ़ोन पर इंस्टाग्राम देखती रहती हूँ और वैसे बिज़ी होके फिर बाद में ऐसा होगा कि अक्षत को भी नहलाना है, खाना भी बनाना है और फिर उस वजह से ना सीधे मेरे को टेंशन जैसे होने लग जाती है काम का बर्डन, क्योंकि ऐसा होता है ना कि मैंने ही करना है सब कुछ, फिर बच्चों को खिलाना है देखना है, फिर वो हो जाता कि टाइम हो गया अब हनी को भी भूख लगी, ऐसे वाली सिचुएशन आ जाती है। तो इसलिए मैंने चावल और दाल रख दिया है और जब अक्षत उठेगा तो उसको फिर नहलाऊँगी। और बस यही था। तो सोच रही हूँ मैं अभी सो जाऊँ थोड़ी देर, मुझे बहुत नींद जैसे आ रही है बट ऐसा हो रहा कि सोऊंगी पता चला नींद पड़ गई और दाल चावल दोनों जल गए तो इस वजह से मैं सो नहीं सकती हूँ। और जब तक दाल चावल बनते हैं तब तक अक्षत उठ जाएगा और फिर अक्षत उठेगा तो फिर उसको नहलाना धुलाना है, फिर बच्चों को खाना खिलाना है, तब जाके सो पाऊँगी मैं। और तब सो पाऊँगी जब बच्चे सो जाएंगे, अच्छा सो जाए ना तो मैं सो जाऊंगी, फिर हनी का नहीं रहता अब इतना टेंशन। तो सोता है तो ठीक, नहीं तो अपना खेलता रहता है। और आज धूप लगी है, सुबह के टाइम पे आपने देखा होगा कि बारिश हो रही थी। रेनकोट हनी के लिए हमने इधर ही दुकान से खरीदा, मैं सोची थी ऑनलाइन ले लूँ लेकिन नहीं लिया। और ऑनलाइन मैंने एक बहुत अच्छी सी चीज़ दी है चार्जर के लिए
अपना फ़ोन का कवर भी लिया है, कभी दिखाऊंगी आप लोगों को, काफ़ी अच्छा है। मीशो से भी, मीशो में भी काफ़ी अच्छा सामान मिलता है। और इसका रेनकोट हमने इधर ही से लिया था, सुबह देखा होगा आपने पहन के, क्योंकि ना ये छाता कैरी नहीं कर पा रहा है, तो इस वजह से हमने इसलिए रेनकोट लिया। मौसम दिखा देती हूँ एक बार आपको। रेनकोट ये है इसका, पर्पल कलर का, काफ़ी सुंदर सा है। इट्स ऑल अबाउट, क्या लिखा है, क्या लिखा है, मिमी सब आउट में है। ब्लू नहीं है, पर्पल है बेटा। हाँ, ये मैंने मीशो से लिया फ़ोन को चार्ज पे लगाने के लिए, तो इसको हमने ना इस पे चिपका दिया है। वो अलग बात है, पता नहीं कब तक ये चिपक के रहेगा, बट यहाँ पे रखा रहता तो अक्षत कभी नीचे फेंक दे रहा, कभी हमसे ही गलती से गिर जा रहा है, तो फ़ोन ऐसे करके फूट रहे, तो इस पे ना ऐसा छेद है, तो ऐसे चार्जर अंदर डालो। और ये, और एक मैंने यहाँ पे लगा के रखा है, क्योंकि ना कंघियाँ मुझे, मैं इसी कमरे से बाहर अंदर करती रहती हूँ, तो कंघियाँ मैंने यहाँ पर रखी है, शीशे में जाने का मन नहीं करता। दो और थे, मैंने वो संभाल के रखे हैं, चार का ये, चार थे क्या, तो इसमें चार थे, 120 का कुछ ऐसे का था, तो दो दो के ये वो है, एक यहाँ पे लगा के रखा, कंघियाँ रखी है ताकि ये इधर उधर ना जाए। चलो मौसम दिखाती हूँ आपको, धम्मकर आराम कर, आराम, कितनी बार बोलूँ तुझे, बुला उठ जाता है उससे। फिर देखो काफ़ी अच्छी धूप लगी हुई है, मतलब यहाँ से तो लग रहा है कितना कूल लग, तो यहाँ से तो अच्छा लग रहा है मौसम, लेकिन जब नीचे चल रहे हैं ना तो बहुत गर्मी हो रही, बहुत ज़्यादा गर्मी, और ऐसी हालत हो रही है ना, पसीना पसीना हो जा रहा है इंसान। हवा चल रही, बट पता उसी को पता चल रहा है जो रास्ते में चल रहा है, बट अभी भी बादल हैं, शाम तक फिर से बारिश हो सकती है। तुलसी हो ही नहीं रही है, तुलसी पे ये दो पे तो आ गए हैं हरे पत्ते, ये देखो यहाँ पे फोकस नहीं हो रहा है, तो ये देखो इन दो पे तो आ गए हैं हरे पत्ते, बट औरों का हाल बड़ा बुरा है, इस पे भी आ रहे हैं। अगर ये नहीं होंगे तो मैं धीरे धीरे इनको निकाल दूँगी, बट इन पे है, ये देखो। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो ये है परसों शाम की क्लिप, और अक्षत को मैं ये बाहर पे हमने रखा रहता है, ये हनी का ही स्कूटर है, तो हनी अब चलाता नहीं है, तो हमने ऐसे ही बाहर पर रखा हुआ है। और अक्षत को मैं इसमें बैठा के ना घुमा रही थी, तो अक्षत बड़ा खुश हो रहा था, चलो हमने कहा अक्षत के काम आ गया। और अक्षत के लिए हम लेंगे भी नहीं ये चीज़ें, क्योंकि हनी ने ही मतलब यूज़ नहीं किया, और कुछ दिन इसमें बैठाएंगे, फिर वो गाड़ी भी है ही। और अक्षत बड़ा खुश हो रहा था, पकड़ कैसे रखा आप देख सकते हो, उसने दोनों तरफ से पकड़ के रखा हुआ है। और यहाँ पे मैंने कहा चलो एक फ़ोटो खींचते हैं अक्षत को, और ये देखो कितना खुश हो रहा, बस उसको था नहीं घुमाते रहो,